जीवन में बहुत गम है। गम कभी भी कम नहीं लगते, हमेशा हमें अपना दुख बड़ा और दूसरों का छोटा लगता है, हमेशा अपनी तकलीफ ज्यादा और दूसरों की बड़ी लगती है। आज मैं कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एक लोटे में ये सामग्री उल्टा करके रख दीजिए, मात्र इतना करने से आपका रिश्ता चुटकी बजा के ठीक हो सकता है। आपका रिश्ता, आपका संबंध, आपका लव, आपका प्यार, आपका रिलेशन, आपकी शादीशुदा लाइफ तत्काल होगी ठीक। लोटे के अंदर से आवाज आएगी। जानिए पूरा का पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में 100% शत प्रतिशत आपको मजबूत किया जाता है। यहाँ पिछले 20 सालों में अभी तक 21 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं और ये संख्या, ये व्यवस्था, ये सब निरंतर जारी है। इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे लाभान्वित होते हैं? क्योंकि यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है और यहाँ बड़े बड़े ग्रंथों का रिसर्च होता है। बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े शास्त्र, पुराण, और उन पर रिसर्च किया जाता है और आपके साथ साझा किया जाता है। उपाय इतना सरल कि कोई बच्चा भी कर ले, प्रभाव इतना बड़ा कि बड़े से बड़ा कोई विज्ञानी भी हिल जाए। दोनों को, दोनों ये समावेश बराबर में आपको दिया जाता है। ध्यान रहे, तुम लोग किसी झलावे में मत फंस जाना, ऐसे किसी भी आडंबर और प्रपंची के चक्कर में फंस मत जाना। ध्यान रहे, तुम्हारा एक किया हुआ कमेंट, उसके ऊपर बहुत सारे मैसेज आएंगे तुम्हारे पास। भ्रमित मत होना, क्योंकि ये लोग धूर्त हैं, ये सब गंदे लोग हैं, ये सिर्फ भ्रमित करेंगे आपको। आप कंफ्यूज मत हो जाना। तुम्हारे किए हुए कमेंट पर अगर कमेंट्स आता है, अच्छा या बुरा, अवॉइड कीजिए। तुम्हारे कमेंट पे कोई क्यों कमेंट कर रहा भाई, अपना खुद नहीं लिखना जानते क्या? तुम्हारे प्रणाम को भी कोई अगर प्रणाम नीचे लिख दे तो भी तुम बहुत अच्छा मत समझना। किसी भी व्यक्ति के साथ तब तक तालमेल मत बनाना जब तक तुम्हारे गुरु का आदेश ना हो। बहुत ध्यान से समझना, ये ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बहुत बहुरूपीय लोग हैं, यहाँ राहु केतु की कोई कमी नहीं है, यहाँ कोई भी आपको भ्रमित कर सकता है। भ्रमित मत होना, क्योंकि दुनिया बहुत बहुरंगी है। यहाँ 95% प्लस सक्सेस रेट है। दुनिया में बहुत सारे मांत्रिक तांत्रिक यहाँ आके काम करवाते हैं, तुम कहाँ जाना चाहते हो इसके अलावा? आज मैं कह रहा हूं एक लोटे में ये सामग्री रखकर उल्टा रख देना, अंदर से कुछ आवाज आएगी और तुम्हारा काम होगा। आज मैं कह रहा हूं ऐसा करके, ऐसा 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 जो भी कुछ आज मैं बता रहा हूं ये कर लेना, तुम्हारा रिश्ता सुधर जाएगा, तुम्हारा संबंध मधुर हो जाएगा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिलेशन, तुम्हारी अपनी निजी लाइफ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। देखो, यद्यपि ये थोड़ा सा उपहास का विषय है, यद्यपि बहुत सारे लोग अनर्गल बातें करते हैं, मैं जब प्रवचन करता था तो मेरे सामने लाखों लोग बैठकर सुनते थे और कभी किसी ने कोई प्रपंच नहीं किया। आज जब मैं चुन चुन कर एक एक लोगों को ठीक कर रहा हूं तो बहुत सारे प्रपंच आए हमारे सामने। अब तो नहीं आते, पहले बहुत आते थे। आप क्या कर रहे हो, आप क्या बन गए हो, आप कैसे लोगों की बात करते हो? मैंने कहा मैं जैसा भी कर रहा हूं मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं और कैसे क्या हो रहा है उसका फल। लोगों के जीवन में जिस स्तर का परिवर्तन आ रहा है, उस स्तर का परिवर्तन विश्व में कोई कथा भागवत नहीं दे पाई। क्षमा करना, मैं कथा भागवत की बुराई नहीं कर रहा, बहुत अच्छा विभाग है, लेकिन वहाँ और बहुत लोग हैं जो ये काम अच्छा कर सकते हैं। हाँ, मैं तो अपने बच्चों को ससुराल भेजने की ओर बात कर रहा हूँ।
लड़कियों को भी ससुराल भेज रहा हूँ और लड़कों को भी ससुराल भेज रहा हूँ। किसी को दुल्हन बनाकर भेजता हूँ, किसी को दुल्हन लेने के लिए भेजता हूँ। और जो बच्चे ससुराल में है उन्हें सुखी संभ्रांतशाली, उनका जीवन संभ्रांतशाली हो, उनका जीवन खुशहाल हो, उस पर प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं अक्सर कुछ गुनगुना के सुनाता हूँ तुम्हें भोजपुरी इत्यादि में, ये मत समझना मेरी भाषा है। भोजपुरी थोड़ी सी मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि थोड़ी रिच भाषा है। रिच का मतलब संस्कृति में और किसी चीज में नहीं। हो सकता है कि वो भाषा किसी को कम समझ आए, मुझे भी कभी कम आती थी, पर हमारे कुछ मित्र मंडली में ऐसे लोग रहे जिन्होंने मुझे खोद खोद के ऐसी चीजें सुनाई कि मेरा थोड़ा सा एक भोजपुरी के प्रति, दूसरा अवधी के प्रति, तीसरा बुंदेलखंड के प्रति थोड़ा सा आकर्षण बढ़ा मेरा। यद्यपि मैं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बंगाल, जितने भी प्रदेश हैं सब प्रदेश मुझे बहुत पसंद है। मैं हर प्रदेश की भाषा को बहुत सम्मान करता हूँ और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। गुजरात जाओ तो लगता है गुजरात से अच्छा कुछ नहीं है, आसाम जाओ तो आसाम से अच्छा कुछ नहीं लगता, महाराष्ट्र जाओ तो उससे ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं जिस भी प्रदेश जाता हूँ मुझे हर प्रदेश में बहुत प्रेम मिलता है, मुझे तो बस वही दिखता है। ससुराल सुख देती है, लेकिन जब ससुराल दुख देने लगे, दुख ससुराल कैसे दे रही है, या तो ससुराल में तुम सुखी नहीं हो और या तो तुम्हें ससुराल जाने का मौका नहीं मिल रहा है। लड़का लड़की दोनों की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। या तो तुम्हारा विवाह हो गया है और तुम सुखी नहीं हो, या तो तुम्हारा विवाह होने की तरफ ही नहीं हो पा रहा है, वो बात ही नहीं बन पा रही, कभी हाँ कभी ना, कभी पूरी तरह से ना ही, सब होगा शादी नहीं होगी। ऐसी किसी भी कंडीशन में ससुराल आपकी अपनी हो जाए, आप अपने जीवन में खुशहाल हो जाए, आपके जीवन की हर तकलीफ पूरी तरह से दूर हो जाए, उस पर हम प्रयत्न कर रहे हैं। एक अच्छा कविता याद आ रहा है ससुराल को लेकर के, ये पहुना ये है मिथिले में रहुना, भजन है भगवान कृष्ण, भगवान राम का। भगवान राम की ससुराल में सखियां थोड़ा हंसी मजाक में कहती हैं, पहुना कहते हैं दामाद और जीजा को, तो ए पहुना ये है मिथिले में रहुना, जौने सुख बा ससुरारी में तौने सुख बा कहूं ना, ए पहुना ये है मिथिले में रहुना। बढ़िया बात। इसके आगे बोले क्या होगा यहाँ रहने से, बोले रोज सवेरे इत्र मिल के चंदन, चंदन इत्र लगा करके से नहवाई, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाई, झूठ कहत ना बानी तनिको, झूठ मत समझना इसे, मौका एगो देऊ ना, ए पहुना ये है मिथिले में रहुना। ये तो भजन है, ये तो एक भाव है, लेकिन सत्य मानना ससुराल में यही दुलार मिलता है दोनों तरफ से। जब बच्चियां ससुराल जाती हैं तो सास ससुर और पूरे परिवार से इसी प्रकार का हास्य परिहास, विनोद, आनंद, आमोद, ये सब मिलता है। ऐसे बच्चे जब ससुराल जाते हैं तो मिलता है, और ऐसा नहीं हो तो, सिचुएशन ऐसी ना बने तब बहुत दुख होता है। खास तौर से उन माँ बाप से जरा पूछना जिनके बच्चे अपने ससुराल में दुखी हैं, खासतौर से उन बच्चों को पूछना जिनका पूरा का पूरा जीवन नरक तुल्य होता जा रहा है, बहुत विडंबना है। पारिवारिक न्यायालय में अभी थोड़े दिनों के लिए एक मुझे कोई पद दिया गया, आजकल एक नया संदर्भ है जिसमें मीडिएटिंग में भेजा जाता है, मतलब आप केस कर रहे हैं उससे पहले आपको समझाया जाएगा कि आप ऐसा ना करें, उसमें किसी संदर्भ में मुझे भी कुछ दिन के लिए रखा गया। आप सच मानिए मैं
ऐसे केसेस, ऐसी बातें, ऐसी चीजें, मुझे लगा मैं बिल्कुल भी इस लायक नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ये हाथ जोड़कर वापस आ गया। एक तो थोड़ा समय अभाव भी था, पर स्थितियां बहुत विषम है। आप सच मानिए, पारिवारिक न्यायालय में केसेस जितने पहले थे उससे 1000% बढ़ गए, 1000% ऊपर है, और ये बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, विवाहोपरांत जब आपके संसर्ग बढ़ जाते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपका दिल लग जाता है जो विवाहित है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सिचुएशन बहुत वर्स्ट है। किसी भी चीज को, अब देखो ये सब सुनकर के बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये सही है ये गलत है। साहब, दूर से बैठकर सब सही और गलत लगता है, जब तुम स्वयं उस सिचुएशन में होगे ना तो सिर्फ और सिर्फ सही ही लगेगा। यकीन मानिए इस बात का, मैं हर तरफ पक्ष में हूं। विवाह के पश्चात भी तुम्हें तकलीफ है तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं पूरी तटस्थता के साथ ये बात कहता हूं, पूरी बुरजोर तरीके से, पूरी की पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। तुम्हारी शादी के बाद भी अगर समस्या है, तुम किसी विवाहित से भी अगर प्रेम करते हो, तो मैं आपका पूरा साथ दूंगा, एकदम 100% में संदेह नहीं है। साथ दूंगा का मतलब ये मत समझना मैं गलत होने दूंगा, हो सकता है मैं मना करूं और हो सकता है मैं आगे बढ़ने को कहूं। सिचुएशन मैं नहीं, ग्रह नक्षत्र डिसाइड करेंगे। तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारे प्रारब्ध में, तुम्हारी किस्मत में क्या है उसे देखकर तुम्हें एडवाइस किया जाएगा, पूरा रिसर्च किया जाएगा। हम आपके साथ पूरी की पूरी ईमानदारी से रहना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार हम तुम्हें हां कहें, कुछ दिला ही दें, कभी कभी नहीं भी दिलाएंगे, पर सच मानना, बिना पाए भी आप इतना खुश होंगे जितना पाकर लोग खुश नहीं होते होंगे। बिना पाए हमारे पास जो अंडर 5% लोग हैं, आप सच मानना वो अंडर 5% लोग भी हमारी बुराई नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें भी बहुत कुछ मिला है। हाँ, हो सकता है कि उन्हें अंडर 5% मतलब 100 में 95 का काम तो हो ही जाते हैं, 96-97 भी होते हैं, 1-2% है जो उनके काम नहीं हो पाते। मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनको मैं नहीं दिलाता कभी कभी, होता है ऐसा, लेकिन सच मानना जब वो कुछ दिन अंतराल होता है तो उन्हें समझ में आता है हमें क्यों नहीं मिलाई है। उनके सामने वो पूरी पूरी यथार्थ स्थिति आती है। और ये बात केवल कही नहीं जाती, हम संभालते हैं वहां से लेके वहां तक, फ्रॉम बिगनिंग हम कमांड करते हैं चीजों को। आपको वो पूरी की पूरी यात्रा इतनी सहज लगेगी, आप कब चीजों से बाहर आ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। यही तो काम है, ये भले ही 5% के अंदर का है, पर होता तो ये भी है ना, काम तो हम इस तरफ भी कर रहे हैं। आज किसी भी सिचुएशन में तुम्हारा दिल बेकाबू है, तुम नहीं संभाल पा रहे अपने आप को, तुम्हारे रिश्ते सच में बस्ट हो रहे हैं, आज के आज तुम ठीक कर सकते हो, एक लोटे की जरूरत है। सीधे उपाय की ओर लेकर के चलते हैं, उसके पहले आपके बीच से एक अनुभव ले रहे हैं, वॉइस मैसेज प्लीज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, आज आपके आशीर्वाद से सब अच्छा हो गया। 2 महीने के बाद उन्होंने मुझसे बात भी की, मुझसे मिलने भी आए और माफ़ी भी मांगी कि उनसे गलती हो गई है। गुरु जी, ये सब आपके आशीर्वाद से ही हुआ है, और अपना ये आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बना के रखिएगा और ऐसे ही कृपा कीजिएगा। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। तुम खुश रहो, प्रसन्न रहो, तुम्हारी दुनिया भर की चीजें ठीक हो गई। जब तुम आए थे तब पता है क्या हाल था तुम्हारा, और आज सिचुएशन परिवर्तित होती है, पर इसमें तुम्हारा श्रद्धा, तुम्हारी विश्वास की बड़ी जरूरत होती है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो तुम्हारी चीजें ठीक होती है। भरोसा रखो, जैसे चला रहा हूँ तुम चलने की आदत डालो, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि
तुम्हारे विश्वास पर मुझे आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं जयपुर राजस्थान। संपर्क करें, नंबर है 9936601255 9936601255। सीधा उपाय की बात करते हैं। आज हम कह रहे हैं कि एक लोटे के नीचे ये सामान रख करके ये काम कर लेना, उसके बाद तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा रिलेशन, तुम्हारा लव, तुम्हारा प्यार सब तुम्हारी तरफ होगा। सारी दुनिया एक तरफ, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिश्ता एक तरफ। करना क्या है, रात में सूर्यास्त के पश्चात एक जवा लहसुन और एक नींबू आपस में एक ही सुई के साथ चुभा के बांध दीजिए और लोटे के अंदर बहुत सारा कपूर रख करके जलाकर बंद कर दीजिए। ये काम खुले में कीजिएगा। बंद करते समय अपनी इच्छा, अपना मनोरथ, अपनी जो भी बात है वो कह दीजिएगा और थोड़ा दूर रहिएगा। कदाचित हो सकता थोड़ी आवाज बड़ी हो, आवाज होगी इसमें कोई संदेह नहीं। जब अच्छे से जलने लगे तब बंद करना, जल्दबाजी नहीं करना। और ये एक ऐसा टोटका है, ऐसा सिस्टम है कि जब आप जला के बंद कर रहे हो तो आपको एक शब्द बोलना है, ओम डींग हींग प्लींग, डींग हींग और प प्लींग, पा के ऊपर ई की मात्रा है प्लींग, ऐसा बोलना है आपको। ये बोल के आप हट जाइएगा और कोशिश करिएगा कि उधर देखे नहीं आप। जैसी ही थोड़ी बहुत भी आवाज हो, आवाज जितनी ज्यादा काम उतनी जल्दी, करके देखिए। अद्भुत प्रयोग, बिल्कुल आश्चर्य करने वाला उपाय है और आपके जीवन को तत्काल ठीक करने वाला उपाय है। क्या चाहिए साथ में? श्रद्धा, विश्वास, यकीन, निरंतरता, कंटिन्यूटी, अपने गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पण। अगर ये सब तुम रखते हो तो तुम्हारी जीत सुनिश्चित है, कोई नहीं काट सकता। खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। क्यों रोते हो, क्यों परेशान होते हो, क्यों होते हो निगेटिव, क्यों उल्टा सीधा सोचते हो? प्रीवियस लाइफ बताने के लिए मना किया है आपको, किसी भी सूरत में पैसों का आदान प्रदान नहीं करना। बस अपना ध्यान रखो, जैसे चला रहा हूँ वैसे चलते जाओ, फिर देखो तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। धन्यवाद, तुम विश्वास करते हो, यकीन करते हो, मेरी बात मानते हो, समझते हो, इसलिए तुम ठीक हो रहे हो। बहुत आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य श्री सदगुरु नाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आपका संस्थान समूचे भारत में शिव नाम की अलग जगा रहा है। बाबा शिव की कृपा से हर समस्या और संकट मिट जाते हैं। उनकी शरण में आने वालों को मिलता है सुख और शांति। श्री सदगुरु नाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना, जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा और दिव्य शक्तियों का आह्वान, जिससे आपको मिलेगा अपनी समस्याओं का समाधान अपनी आंखों के सामने एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और नक्षत्र का 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ सदगुरु देव की कृपा से हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। इस महायज्ञ
परम पुनीत पुण्यकारी कार्य में आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए आप श्री की आहुति दान के लिए संपर्क करें। नंबर है 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114।